देश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार सर्वाधिक डोज लगाने का लक्ष्य रख रही है। देश भर में मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रथम स्थान बनाने पर फोकस दे रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिले और तहसील पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। करेरा नगर में 20 स्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया है। सत्र के दौरान खास तौर पर उन्हीं लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा रहा है जिन्हें महाअभियान की शुरुआत में पहला डोज लगाया गया है। इस वैक्सीनेशन महाअभियान में बुधवार को सुबह 9 से ही वैक्सीनेशन केंद्र पर महिला एवं पुरुषों की भीड़ एकत्रित होने लगी है। सभी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान जो लोग कोविड प्रोटोकॉल जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाकर आ रहे हैं उन्हें टीकाकरण किया जा रहा है। प्रभारी BMO डॉक्टर देवेंद्र खरे ने बताया कि वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत करेरा ब्लॉक में 9,000 डोज लगाए जाने हैं। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं करेरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए लोगों से ज्यादा इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। आ रही है क्या है क्या नहीं बताया, जैसा कि हम सभी को पता है कि 25 और 26 तारीख को एक महाअभियान टीकाकरण घोषित किया गया था जिसमें हम लोगों को अपने जो करेरा ब्लॉक है उसको टारगेट दिया गया था कि 2 दिन में आपको 6,000 इंजेक्शन लगाना है जिसको अभी बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। तो हम लोगों को 2 दिन के अंदर प्रथम और द्वितीय डोज मिला के 9,000 डोज को लगवाना है। तो आपको इसमें कोई समस्या है, क्या समस्या आ रही है, लोगों को समस्या लगी हुई है? समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जो SDP साहब हैं ना पूरा सहयोग कर रहे हैं। बाकायदा हमको पुलिस वालों उपलब्ध कराया गया है और हमारा राजस्व विभाग तहसीलदार साहब वगैरह पूरा सहयोग मिल रहा है, इससे हम चीज़ों को आसानी से कर पा रहे हैं। इसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, आज पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार और पूरे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज के दिवस को 25 और 26 में वैक्सीन का महाअभियान जो छिड़ा है, एक केवल एक महाअभियान नहीं, एक हमारे आने वाले समाज के लिए, समाज की सुरक्षा कवच के लिए और लोगों की जीवन खुशहाल हो, हम बीमारी से निजात पाएँ, कोरोना को मार के भगाएं। हमने मध्य प्रदेश आज कोरोना की वैक्सीनेशन में वैसे भी देश में नंबर वन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, उनकी दूरदृष्टता को, कि उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया, लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में उन्होंने जो अपार सहयोग दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, जो भी हैं, सभी पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, सभी ने बढ़ चढ़ के इसको अभियान, सामाजिक अभियान बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम सफल होंगे। हमारा पूरा जिले का प्रशासन, मेरे परगने का प्रशासन, एक एक अधिकारी समस्त विभागों के इस अभियान में जुटा हुआ है और जब अभियान में हम जुटे हैं पूरे तन्मयता से शासन और प्रशासन, तो हम इसको रिकॉर्ड बनाएंगे।